ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। यह राशिफल है 26 फरवरी 2018 सोमवार के दिन का राशिफल है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। आमल की एकादशी भी इस दिन मनाई जाती है। तो मित्रों एकादशी का महापर्व है और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से हमारे जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उन्नति उसको प्राप्त होती है। एकादशी का महापर्व भगवान विष्णु अर्थात नारायण का महापर्व माना जाता है। तो आप सब भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करें, व्रत करें और अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार जो है एकादशी के दिन आपको कुछ न कुछ दान पुण्य या अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। हमने एकादशी के संदर्भ में एक वीडियो बनाया है, उसमें जानकारी दी है कि एकादशी के दिन आपको कौन कौन से 6 उपाय करना है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसकी लिंक हम आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो मित्रों पुनर्वसु नामक नक्षत्र एकादशी के दिन विद्यमान रहेगा और 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको खूब दिल से शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह राशिफल की जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ व्यस्त हो सकते हैं। दिनचर्या में कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है। सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों से आप अपने आत्मविश्वास के दम पर निपट सकते हैं। परिवार की ओर से आपको कोई ना कोई काम दिया जा सकता है। आप थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं। खुद के लिए समय निकाल लेंगे, आपकी योजनाएं सफल हो जाएगी और योजनाओं पर आप पूरी मेहनत से काम करेंगे। अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे। पैसे कमाने के दूसरे तरीके भी आपके दिमाग में लगातार उत्पन्न होंगे। आपका पूरा ध्यान पैसों के और घरेलू मामलों को सुलझाने पर रहेगा। कोई आपकी मदद भी करना चाहेगा। ऑफिस के सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। अधिकारी वर्ग आपकी तारीफ कर सकते हैं। नई नौकरी की बात भी चल सकती है। खरीदारी होगी, नए कपड़ों की खरीदारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अतिरिक्त आमदनी के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। पैसे कमाने के कई तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आपका ध्यान पैसों और घरेलू मामलों को सुलझाने पर रहेगा। कोई आपकी मदद करना चाहेगा। ऑफिस के सोचे हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपकी तारीफ कर सकते हैं। नई नौकरी की बात आपको पता चल सकती है और खरीदारी होगी, नए कपड़े आप खरीद सकते हैं। घर के जरूरी सामान भी आप खरीद सकते हैं। ज्यादातर समय आपका घर से बाहर ही व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कैरियर में नए मौके आपको मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में बदलाव की संभावनाएं बन रही। निवेश के लिए अच्छा समय है। समय आपके पक्ष में रहेगा। किसी खास व्यक्ति से अपनी बातें आप शेयर करेंगे। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे। मन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी महत्वपूर्ण मामले पर आपकी राय लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। अनचाहे काम आपको आज करने पड़ सकते हैं और कई कामों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। सोचे हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। सुख दुख की बातें भी होगी। दोस्त कोई अच्छी योजना आपको बताएंगे। आप अपने दोस्तों की योजना से सहमत हो जाएंगे। खर्चे और इनकम में बैलेंस बनाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। कोई राज या छुपी हुई बात आपको पता चल सकती है। आपको दूर स्थान के लोगों से सहयोग मिलेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी आपको मदद मिलेगी। आज आप सबके साथ रहेंगे और सबसे मिलजुल करके अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। दिन आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसों का फायदा हो सकता है। आपके सोचने के तरीके में बदलाव हो सकता है। आज आप कुछ नया और अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस या फील्ड में कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में रहेंगे। आत्मविश्वास के दम पर परेशानियों से आप निपट सकते हैं। ऑफिस में ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है और उसका फायदा भी आपको अवश्य होगा। खुद के लिए समय निकाल लेंगे तो आपके लिए दिन अति उत्तम रहेगा। बिजनेस और नौकरी में आपका सभी काम अच्छा होगा और आपके काम की तारीफ होगी। सामाजिक समारोह में मान सम्मान मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की।
ऑफिस और बिजनेस में मदद आपको मिल सकती है। अपनी योजना या रणनीति पर भरोसा रखना होगा। सफलता मिलेगी, फायदा हो सकता है, नई जिम्मेदारी आज आपको प्राप्त हो सकती है। पैसों के मामलों में आप भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बना सकते हैं। जो भी काम सामने आए उसमें पूरी ताकत आप लगा दें, इसके नतीजे और भी अधिक मिल सकते हैं। फैसला लेने के लिए और योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। ऑफिस और फील्ड में सभी लोग आपके लिए सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए पैसों से जुड़ी परेशानी समाप्त होने वाली है। चतुराई से आपके काम पूरे हो जाएंगे। कैरियर, पैसे और इज्जत के लिए कोई व्यक्ति आपके लिए खास हो सकता है। समझदार लोग आपका सम्मान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख मिलेगा। परिवार के साथ समय आपका व्यतीत हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। खुद पर भावनात्मक कमजोरी हावी नहीं होने दे। कोई जमीन जायदाद खरीदने की बात हो सकती है। नौकरी और पैसों के मामलों में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। नए मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। अपने मन के अनुसार चलने की आप कोशिश करेंगे तो आपके उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ने की कोशिश में सफल होंगे, इससे आपको फायदा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कामकाज निपटाने का जुनून आपके अंदर रहेगा। इच्छा शक्ति आपकी भरपूर रहेगी। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पुराने विवाद आपके शांत हो जाएंगे। आप महत्वपूर्ण लोगों के सामने अपने मन की बात रख सकते हैं। आप समय के साथ चलेंगे, कुछ अच्छे ऑफर भी आज आपको मिल सकते हैं। अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। अपना काम चुपचाप और शांति से आपको करना होगा तो निश्चित तौर से आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। आपके व्यवहार की, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और साथ ही साथ आपको कोई अतिरिक्त रूप से मान सम्मान भी आज प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। नौकरी और बिजनेस में कुछ बदलाव करने का मूड आप बना सकते हैं। सकारात्मक रहे, दूसरों की मदद आप करेंगे। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपकी मदद कर सकते हैं। किसी भी परेशानी की जड़ तक जाने की आप कोशिश करेंगे। संतान और शिक्षा के मामलों पर ध्यान देना आपको आवश्यक होगा। महत्वपूर्ण लोगों से आपका संपर्क होगा, उनसे मुलाकात होगी और जो मुलाकात आज आप करने जा रहे हैं उसके दूरगामी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। काम पर ध्यान आपको देना चाहिए और उन बातों पर ध्यान दे जिनके बारे में आपने पहले से ही कुछ न कुछ सोच रखा है। घर से चलने वाले बिजनेस में फायदा हो सकता है। घर मकान में किए गए निवेश से आपको फायदा होगा। पारिवारिक इनकम भी आपकी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र का कोई एक चलता हुआ काम सफलता पूर्वक आगे की तरफ बढ़ जाएगा। किसी नए काम की योजना बन सकती है जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरों के लिए आपको कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत का पुरस्कार आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा, उनसे धन लाभ भी आपको अवश्य होगा। किसी काम को लेकर के उत्साह मन में बरकरार रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। ऑफिस में बकाया काम निपटाने का मन आप बना सकते हैं। आपको अपना नजरिया व्यावहारिक रखना होगा। आज आप विवाद से भी बच सकते हैं। परिवार के कामकाज पर आपको धन और समय खर्च करना पड़ेगा। परिवार में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए बड़े कदम आप आज उठा सकते हैं। माता से मदद और प्रेम मिलेगा। सभी से आपको सहयोग और प्रेम अवश्य ही प्राप्त होगा। कुछ नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छी सफलता आवश्यक रूप से प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस राशिफल के वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आपसे हमारा एक आग्रह है कि आप लगातार कमेंट करते हैं और कई बार हमारी व्यस्तता इतनी अधिक रहती है कि हम कमेंट का जवाब दे नहीं पाते हैं और वो कमेंट नीचे चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि हमने आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया या आपको रिस्पांस नहीं दिया, इसको आप अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना। आपसे इस बात के लिए हम बारंबार करबद्ध जो है क्षमा चाहते हैं। मित्रों, कई बार व्यस्तता इतनी अधिक रहती है कि कमेंट का जवाब देना मुश्किल हो जाता है और वह कमेंट फिर नीचे चल जाता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो मित्रों, आप कमेंट करिएगा और संभव हुआ तो हम जवाब अवश्य देंगे। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दूसरा चैनल है आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, उसको भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वहाँ भी अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी और आप
और आपके परिवार के और आपके मित्रों को इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि उनको भी ये सब जानकारियां प्राप्त हो सके और वो भी हमसे जुड़ सके और इसी प्रकार हम आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को इसी प्रकार आप लगातार देखते रहिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद, शुभ सोमवार।